योग का जीवन में बड़ा महत्व है और इसे समझते हुए लोगों ने योग को अपनाना भी शुरू कर दिया है। फिर प्रतिदिन योगाभ्यास से न सिर्फ अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रहे हैं बल्कि खुद को तंदुरुस्त भी रख रहे हैं। भिलाई दुर्ग में भी अनेक स्थानों पर लोगों को योगाभ्यास करते देखा जा सकता है। मैं सतीश अग्रवाल पतंजलि से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और डिस्क स्लिप थी मेरी जो 20 साल से, दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गया था। जब से योग चालू किया दवाइयाँ बंद है और किसी भी प्रकार का कोई दर्द शरीर में नहीं है। इतने फायदे हैं योग करने के। नहीं करने से 1-15 दिन में पता चल जाता है कि वापस दर्द चालू हो जाता है। इसलिए योग करो, निरोग रहो, हमेशा करो। मैं नीलम प्रभाकर और 20-25 दिन हो गए हम लोगों को आते हुए यहाँ पे। तो योग करने से जो मेरी कमर की दर्द थी वो काफ़ी हद तक ठीक हुई है और ये खुले वातावरण में योग करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और सारा दिन हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं काम करने के लिए, कोई ऐसा हमको आलस नहीं आता, कोई सुस्ती नहीं आती और ना ही कोई थकावट आती। योग करने के बहुत फ़ायदे हैं। मैं ममता सूरी, बहुत दिन हो गए हम लोग यहाँ कर ही रहे हैं, 2 महीने से, और उससे हम लोगों को एक तो मन बहुत अच्छा रहता है और बॉडी रिलैक्सिंग रहती है, घर जाके भी चिड़चिड़ाहट इस टाइप की कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहती और वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का, सब सपोर्टिव है भैया लोग हम लोगों को पूरा। हम लोग करते थे शुरू से घर में, पर हम लोगों से गलतियाँ होती थी। यहाँ आए हैं आइडिया नहीं है, देख देख के इधर उधर सुनसान के करते थे, पर यहाँ आए हैं तो भैया लोग हम लोगों की एक एक गलती पकड़ते हैं, हम लोगों को पूरा सिस्टम से करना सिखाते हैं। तो हो रहा है, महसूस कर रहे हैं? मुझे भी कमर और घुटनों का थोड़ा प्रॉब्लम है, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है। और मैं जैसे ऐसे बैठी हूँ आलती पालती मार के, मैं घर में या कभी भी मंदिर में या कहीं भी जाऊँ मैं कभी भी ऐसे नहीं बैठती थी, पर यहाँ जब से आई हूँ थोड़ा प्रेशर में भी कि ऐसे ही बैठना है तो अब मैं आराम से बैठ पा रही हूँ।